की तरह जो है आप इंप्लीमेंट कर दीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। जी, अलवरी जी। सर अभी एक एक मिनट, एक मिनट, विजय बैठो। विजय के बाद बैठिए तो। अलवरी जी, महोदय, हमारे जनजाति के पंजीकरण के लिए जो संविधान संशोधन लेकर हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी आए हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा। अभी हमारे पूर्व वक्ता निशिकांत दुबे जी ने पूरा इतिहास बता दिया, 14 साल से वो सांसद हैं वहां, 12 साल मैं भी सांसद झारखंड का रहा हूं। मैं कहना चाहता था कि करीब 700 जनजातियों का नाम अंकित है पूरे देश में संविधान में, अगर गलत हो तो माननीय मंत्री जी संशोधन करेंगे। और यहां झारखंड में ये 33वां शायद लाया गया है। सर, 8th शेड्यूल में संथाल भाषा ही को मान्यता दी गई है, जो हमारी 8वीं अनुसूची के अनुसार जो भाषाओं को दिया गया है उसमें संथाल है। कहे कि 51% से ज्यादा आबादी संथालों की है, किंतु ये जो 700 है विभिन्न क्लान के, विभिन्न समाज के, विभिन्न कैटेगरी के, इनकी भी मातृभाषाएं हैं, इनके भी डायलेक्ट्स हैं। जैसे मैं जहां से आता हूं, आसा दुर्गापुर बर्दवान जिले से, वहां पर जो आदिवासी लोग हैं वो कालची नहीं बोलते। मैं जब भी जाता हूं तो उनकी मांग यही होती है कि हमारी मातृभाषा का कब परिचय होगा। हम लोग कहते हैं कि कई कोस पर जाने पर वाणी और पानी दोनों बदल जाता है, वैसे ही जब आप जनजातियों के समाज में घूमेंगे तो वहां पर भी वाणी और पानी बदल जाता है। इनकी वाणी अर्थात इनकी मातृभाषा के संरक्षण के लिए भी मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि उनकी मातृभाषा में वो पढ़ सके, बेसिक एजुकेशन ले सके और उसका प्रचार प्रसार कर सके। उसमें लोक संगीत है, उसमें हर तरह की बात है, उनकी परंपराएं हैं, उनके नृत्य हैं, उनका सब चीज का संरक्षण हो सके उस पर भी ध्यान दें सरकार, तो मैं कृतार्थ रहूंगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, क्या क्या बात बताइए, एक सेकंड, एक मिनट, माननीय मंत्री जी जरा प्लीज। मंत्री जी से अनुरोध करते हो सर, दो तीन लाइन सर, बाद में कुछ बात कर दीजिएगा सर। धन्यवाद, बोल चुके हैं विजय हंसदा जी, बोल चुके हैं। नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज,